हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत वेसोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल AVS Tech अनंत वेसोनी में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी एक कुछ दिन पहले एक लास्ट वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, तकरीबन 20 प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप इन प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं और तकरीबन उन 20 प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था। अब वहाँ पे कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि हम यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे, मतलब कि कुछ लोगों को ये इशू आ रहा था कि वो कोर्स कैसे ऐड करेंगे, कैसे वहाँ पे ट्यूटोरियल बनाएंगे, कैसे अकाउंट बनाएंगे। तो यही चीज़ मैं आज आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो लंबा हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार पूरा वीडियो देखिए तो आपको प्रोसेस पूरा समझ में आएगा, आपके डाउट पूरे क्लियर होंगे। क्योंकि आप अगर फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो शायद आप कुछ चीज़ें मिस कर जाएँ एंड देन आपके डाउट फिर से बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं यही बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, उसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि अगर मैं कोई भी अपडेटेड वीडियो डालता हूँ तो वो सबसे पहले आप देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है udemy.com पे। udemy.com पे आपको यहाँ पे बिकम एन इंस्ट्रक्टर का ऑप्शन दिखाई देता है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो जो यहाँ पे न्यू स्टेप होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप आपके 1:4 हैं, मतलब 4 स्टेप्स हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लेट फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ कोर्स यू आर मेकिंग, तो आपको यहाँ पे बताना है कि आप किस टाइप का कोर्स बना रहे हैं। एक आप कोर्स बना रहे हैं जिसमें आप वीडियो लेक्चर देंगे, क्विजेस देंगे, कोडिंग एक्सरसाइज सभी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप एक कोर्स दे रहे हैं जिससे कोई भी इंसान किसी सर्टिफिकेट या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकता है। तो अगर आपका जो भी कोर्स है, जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल जो मैंने कोर्स डाला था वो मैंने एक सिंपल सा कोर्स था इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए, तो आप यहाँ पे ये कोर्स सेलेक्ट कीजिए एंड देन आपको देना है कि आपका टाइटल क्या है। तो मेरा था इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस, तो मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस लिखा। और आप यहाँ पे बाकी आपको अपना टाइटल यहाँ पे ऐड करना है कि आपका टाइटल आपका क्या है, कोर्स आपका किस चीज़ से रिलेटेड है। एंड देन नेक्स्ट आता है व्हाट कैटेगरी बेस्ट फिट, यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आपका किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जैसे मेरा बिजनेस से रिलेटेड है या डिज़ाइन से, पर्सनल डेवलपमेंट, आपका जिस टाइप का भी कोर्स है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर दिया करता हूँ एंड देन कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है हाउ मच टाइम यू कैन स्पेंड क्रिएटिंग योर कोर्स पर वीक। तो आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप यहाँ पे, जैसे कि मैं 5+ आवर्स पर वीक कर दिया करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कोर्स किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपका कोर्स क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे आपको ये सारी फील्ड्स यहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अभी मैं इस कोर्स के लिए हटा दिया करता हूँ। मैं आपके लिए जो मैंने पहले से ऐड करके रखा हुआ है मैं उस कोर्स के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैंने इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस एक कोर्स डाला था इंक्रीज योर लेवल, इसका मैंने नाम रखा हुआ था। अब ये मैंने अभी तक कंप्लीट भी नहीं किया हुआ है, कुछ दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा और आप Udemy पे इसको चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है टारगेटेड स्टूडेंट, आपको यहाँ पे देना है कि सबसे पहले टारगेटेड स्टूडेंट्स कौन से हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे इनके कुछ क्वेश्चन है, ये आपको केयरफुली पढ़ना है और सभी के क्लियर आंसर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे व्हाट नॉलेज एंड टूल आर रिक्वायर्ड, तो जैसे कि यहाँ पे आप PC, अ लैपटॉप और अ स्मार्टफोन, ये तीन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ एंड अ इंटरनेट कनेक्शन, तो यहाँ पे एक इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत है, तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं। और आप कोई और चीज़ भी ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड एन आंसर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु शुड टेक दिस कोर्स, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आपके कोर्स को कौन से लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वॉन्ट टू स्टार्ट मार्केटिंग योर बिजनेस, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, आप अपने फॉलोवर सब्सक्राइबर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये मेरा कोर्स उनके लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ लिखी हुई है। एंड नेक्स्ट है व्हाट विल स्टूडेंट अचीव और बी एबल टू डू आफ्टर टेकिंग अ कोर्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बिकम अ डिजिटल मार्केटर फॉर इंस्टाग्राम एंड ग्रो योर बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे आपको ये आंसर देना है कि अगर स्टूडेंट आपका कोर्स कर लेता है उसके बाद उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और वो क्या क्या चीज़ अचीव करेगा।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वो एक डिजिटल मार्केटर बन सकता है और वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है थ्रू द इंस्टाग्राम। तो सेम आपको ही ऐसे आंसर देना है। एंड देन नेक्स्ट आता है कोर्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने एक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ टिप्स वगैरह दिए हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने स्ट्रक्चर दिए हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट दिए हैं, और ये चीज़ आपको फॉलो करना है। जो इनकी रिक्वायरमेंट है ये तो आपको 100% फॉलो करना है। अगर ये आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका कोर्स अप्रूव नहीं होगा और वो उडीमी पे कभी भी लाइव नहीं हो पाएगा। एंड देन नेक्स्ट आता है सेटअप एंड टेस्ट वीडियो। यहाँ पे आपको एक टेस्ट वीडियो सेंड करना पड़ता है उडीमी के लिए, और जो उडीमी एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपके वीडियो को चेक करते हैं, और अगर उसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी इशू है, या फिर आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, तो वो उसके बारे में आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, और आप उनको फॉलो करके फिर से आप एक और वीडियो बना के उनको सेंड करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ ये भी है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड ही वीडियो बना के भेजें। आप कोई भी एक वीडियो बना सकते हैं जिसमें आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जो कि आप देने वाले हैं अपने कोर्स में। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्रिएट योर कंटेंट। तो आपको कंटेंट यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट बनाने के लिए भी इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दे के रखे हुए हैं, वो आपको पढ़ना है कि कम से कम आपका 72p हो, 108p हो, मींस कहा जाए तो यहाँ पे SD क्वालिटी होनी चाहिए, और ऑडियो भी आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, और आपके में बैकग्राउंड नॉइस नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको फुलफिल करनी है। अब यहाँ पे आता है करिकुलम्स। तो यहाँ पे करिकुलम्स ही आपका मेन चीज़ है जो आपका स्टूडेंट्स को दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है और ये बहुत जल्दी लाइव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या पड़ता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर है इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इसको मैंने प्रीव्यू भी रखा हुआ है, ये प्रीव्यू में दिखाई देगा। और आपका जो सेकेंड है कि इंस्टाग्राम ओवरव्यू, इंस्टाग्राम बेसिक्स, ये भी मैंने प्रीव्यू रखा हुआ है। ये दो प्रीव्यू स्टूडेंट देख सकते हैं, अगर उनको प्रीव्यू पसंद आता है देन वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि यहाँ पे ऐड कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा तो मैंने बना के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको नीचे ये कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आपको यूज़ करने हैं। यहाँ पे अगर आपको ऐड लेक्चर करना है तो आप यहाँ पे ऐड लेक्चर कीजिए। अगर आपको क्विज ऐड करना है, आपको कोडिंग एक्सरसाइज ऐड करना है, प्रैक्टिस टेस्ट ऐड करना है, असाइनमेंट करना है, या कोई और सेक्शन ऐड करना है, तो आपको ये जो छः आपको ऑप्शंस मिले हुए हैं, कॉलम्स मिले हुए हैं, इन छः कॉलम्स को ही आपको यूज़ करना है। जैसे कि अगर आपको न्यू लेक्चर यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे न्यू लेक्चर डालना है, आपको उसका टाइटल डालना है, तो जैसे कि आप कोई भी एक टाइटल डाल सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने डाला है कि XYZ टाइटल, आपने यहाँ पे ऐड टाइटल किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है, कंटेंट ऐड करने के लिए आता है। कंटेंट ऐड में आप यहाँ पे वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो अपलोड वीडियो में आपको कोई भी फाइल जो आपने बना के रखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एटलीस्ट 70p होनी चाहिए और 4GB से कम की एक फाइल होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट वीडियो पे क्लिक करना है और जो भी आपका वीडियो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके और ऐड कर देना है। ऐड करने के साथ में आप यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी में से भी कर सकते हैं। अगर आपकी लाइब्रेरी में पहले से ऐड है, आप चाहें तो बल्क में आप ऐड कर लीजिए कि यहाँ पे आप जाइए और सारे वीडियो एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए और आप सारे वीडियोस को एक साथ इंपोर्ट कर लीजिए, देन आप 1x1 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से अपलोडिंग का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एंड देन आपको यहाँ पे एक लेक्चर का डिस्क्रिप्शन देना है, जो कि एकदम मैं आपको यहाँ पे पुराने इनमें दिखा दिया करता हूँ कि एक आपको लेक्चर का डिस्क्रिप्शन प्रॉपर वे में देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने हर लेक्चर में एक डिस्क्रिप्शन ज़रूर ऐड किया हुआ है, और अगर आपके कोई रिसोर्सेज हैं तो आप रिसोर्सेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे वीडियो अपलोड करना है, कैसे यहाँ पे ऐड करना है, और आपको सेम चीज़ करते जाना है। और आप यहाँ पे मैं आपको नीचे एक और चीज़ दिखा दिया करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 5 ट्यूटोरियल के बाद एक क्विज का सेक्शन रखा हुआ है कि अगर आप ये क्विज क्लियर करते हैं देन ही आप यहाँ पे नेक्स्ट ये लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्विजेस भी ऐड करने हैं जो कि आपके
मतलब जो आपने इन 5 ट्यूटोरियल्स में बनाया हुआ है, उन 5 ट्यूटोरियल का यहाँ पे आप एक कुछ सेक्शन रख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैंने लिखा है कि इंस्टाग्राम इज़ अ सोशल मीडिया ऐप प्राइमरीली यूज्ड फॉर। तो जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ऐप है वो प्राइमरी किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे एक पे टिक करना है, जो कि आपका रियल आंसर हो वो आपको यहाँ पे टिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ आंसर्स लिखे हुए हैं, तो कि जो कि 4 यहाँ पे आंसर्स मैंने दिए हुए हैं, और जो आंसर सही है वहाँ पे मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको भी करना है, और आपको यहाँ पे देख सकते हैं और भी ऐसे क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं। तो जो भी मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है, जो भी मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको सिखाया हुआ है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। और आप यहाँ पे एक और ऑप्शंस दे सकते हैं कि ये आपका कौन से वीडियो से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर उसको नहीं आ रहा है आंसर, तो वो उस वीडियो को जाके चेक भी कर सकता है। यहाँ पे आपको क्विजेस को ऐड करने के लिए भी आपको नीचे ही यहाँ पे ऑप्शंस रहा करते हैं, ऐड क्विजेस, ऐड प्रैक्टिस टेस्ट या ऐड असाइनमेंट। तो आपको इनमें से जो भी चीज़ ऐड करनी है, जैसे मैंने अभी क्विजेस ऐड किए हुए हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल के लिए एक क्विज ही ऐड किया हुआ है, और बाकी ये कोर्स जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वैसे ही मैं इसको लाइव कर दूंगा। यहाँ पे मैं हर 3 से 4 के बाद एक क्विज ऐड करूँगा, और लास्ट में एक मेगा क्विज होगा, जिसको अगर वो फाइनल कर लेता है तो मैं उसके लिए एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके दूंगा। तो यहाँ पे आपको का जब करिकुलम कंप्लीट हो जाता है, और करिकुलम में एक और चीज़ का ऑप्शन है कि आप यहाँ पे बल्क अपलोडर का भी यूज़ कर सकते हैं। बल्क अपलोडर में आपका अगर कहीं भी आपकी फाइल पड़ी हुई है, मान लीजिए आपकी गूगल में है, ड्रॉप बॉक्स में है, कहीं भी आपकी अगर फाइल सेव है, तो आप उसके थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट आपके अकाउंट में लेके आ सकते हैं, और वो आप कैटेगराइज कर सकते हैं वीडियोज़ को। तो आपको प्रॉपर नाम लिख के उनके रखने हैं, और आप बल्क अपलोडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा पोर्शन ख़त्म हो गया। आपको इसमें कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अब नेक्स्ट आता है कैप्शंस का। कैप्शंस मीन्स होता है जो आपके सबटाइटल्स होते हैं। तो अगर आप कैप्शंस देना चाहें तो ये बेस्ट है, लेकिन अगर आप नहीं भी दे पा रहे हैं या आपको टाइम लग रहा है, देन आप बाद में भी इसको अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऑप्शनल है। ये अभी आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में कैप्शंस ऐड करें। एंड देन नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पे पब्लिश योर कोर्स। तो यहाँ पे आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कोर्स का एक टाइटल देना है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, देन इसका सबटाइटल आपको एक ऐड करना है, एंड देन कोर्स का डिस्क्रिप्शन आपको पूरा प्रॉपर तरीके से ऐड करना है। ये चीज़ें आप जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे उडीमी को आपसे कोई फ़ायदा नहीं है। जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप बनाएंगे, उतने ज़्यादा आपकी सेल होगी, और आपको वहाँ पर उससे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यहाँ पे आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, प्रमोशनल वीडियोस ऐड कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक इमेज ऐड की हुई है, मैंने यहाँ पे वीडियो ऐड किया हुआ है, और ये प्रोसेस मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट आता है कि आपको यहाँ पे इसका प्राइस क्या रखना है। तो आप यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो प्राइस थोड़ा सा हाई भी रख सकते हैं, और एक कूपन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप कूपन क्रिएट नहीं करना चाहते, तो आप इसका प्राइस भी एक छोटा सा रख सकते हैं, तकरीबन $20 $50, जो भी आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि कोर्स की मार्केट वैल्यू क्या है और आप उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको वेलकम मैसेज कैसे सेंड करना है, और कोई कोर्स कंप्लीट करता है तो आपको कौन सा मैसेज सेंड करना है, और ये सब चीज़ें करने के बाद ये भी आपको करके यहाँ पे सेव का बटन है, सेव आपको क्लिक करना है, ये आपका कोर्स पूरा सेव हो जाएगा। फिर आपको करना है ये सबमिट फॉर रिव्यू। तो जैसे कि मैंने सबमिट फॉर रिव्यू पे किया है, अब यहाँ पे मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको एक वीडियो बनाना पड़ता है, एक वीडियो आपको बनाना पड़ता है जो कि आपको इस ईमेल पे सेंड करना है। उसमें आपको आपका फुल लीगल नेम देना है,
और नेम ऑफ द कोर्स जो कि आप पब्लिश कर रहे हैं और स्टेटमेंट ऑफ ओनरशिप के लिए कि ये कोर्स आपका ही है, आपने कहीं से परचेज नहीं किया है। अगर परचेज किया है तो भी आपको यहाँ पे तो आप उसके ओनर हुए, लेकिन आप कहीं और सी जगह से उठा के और यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने पूरी चीज़ें बताई हुई हैं कि आपको कैसे बोलना है कि आई यहाँ पे फुल नेम देना है, आई अनंत विजय सोनी सर्टिफाइड अंडर द पेनल्टी ऑफ इंजरी दैट आई एम द ओरिजिनल ओनर ऑफ ऑल द कंटेंट यूज्ड इन माय कोर्सेज, इफ एप्लीकेबल हैव सिक्योर ऑल द नेसेसरी राइट्स टू यूज कंटेंट ओन बाय अदर इंडिविजुअल। तो ये चीज का आपको एक वीडियो बनाना है और ये वीडियो बनाने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वेरिफिकेशन वीडियो करना है, और जैसे ही आप ये सबमिट वेरिफिकेशन वीडियो करते हैं तो विद इन 2 to 5 days में आपका वेरीफाई हो जाता है कि आप इसके कंप्लीट ओनर हैं और आपका कोर्स यहाँ पे लाइव हो जाता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपको कोर्स ऐड कैसे करना है, लेकिन फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जो जो भी आपके डाउट रहेंगे। अगर आपको किसी भी अपलोडिंग में, डिस्क्रिप्शन में, क्विजेस बनाने में, किसी चीज़ में भी आपको अगर कोई भी इशू आता है आप मुझे सिर्फ एक कमेंट कीजिए, मैं आपको उससे रिलेटेड आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा, ताकि मैं चाहता हूं कि कम से कम मैं अगर वीडियो बना के दे रहा हूं तो उसका आपको फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि मैंने एक वीडियो बना के छोड़ दिया और फिर उसके बाद अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो मैं आपको रिप्लाई, वैसे तो मैं मोस्टली क्या करता हूं कि मैं आपके कमेंट्स पर ही आपका सॉल्यूशन दे दिया करता हूं, लेकिन आपका अगर डाउट ऐसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो मैं आपके लिए वीडियो बना के दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं जाते जाते बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कीजिए, साथ में आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है आप उसको प्रेस कीजिए, तो मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो वो सबसे पहले आपको मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।